परम वंदनीय बहुत आदर से याद करो पूज्य महात्मा गांधी कहते थे कि जिनको कुछ सीखना है उनके लिए एक वृक्ष का पर्ण हाथ में लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, कहीं जगह पर एक पत्थर हाथ में लेकर बहुत कुछ उनमें से प्राप्त कर सकते हैं कि पत्थर कितना पुराना है, कहाँ से आया होगा, कैसे बना होगा, उसमें क्या क्या रासायनिक है, क्या क्या इसमें जड़ तत्व चेतन तत्व है। लेकिन जिनको कुछ उपलब्धि करनी ही नहीं है उनके लिए तो कुछ भी नहीं, उसको जीवन तो कीड़े मकोड़े की तरह है। जीवन एक आविष्कार है, जीवन एक वरदान है, जीवन एक अवसर है, जीवन एक सुवर्ण तक है। नहीं समझे उनका फोगट फेरा गया। इसलिए बहुत कुछ दुनिया में है। तालाब और कुएं की मेढक मत बनो, समंदर में तैरने का थोड़ा सा प्रयास करो, समंदर के लहरों में कूदना पसंद करो। दो कमरे एक रसोई घर, इसमें पूरा जीवन पूरा हो जाता है। कमाया, भरण पोषण किया, पति बीवी को मनाने में, बीवी पति को मनाने में, बच्चों की शादी करने में, बुढ़े हो जाते हैं और दुखी होकर निराश होकर मर जाते हैं। इसको कोई जीवन कहते हैं? जीवन तो आकाश में उड़ने के लिए जीवन है, जीवन तो पुष्पों की महक लेने के लिए जीवन है। आप बहुत कुछ कर सकते, ऐसा कभी मन में न सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो पामर मनुष्य, कोई पामर मनुष्य नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी चेतना जागृत होनी चाहिए, आपका एक एक रुवा सतर्क होना चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। हम पढ़ते हैं बिजनेसमैनों की कथा कभी कभी कि कैसे डेवलप हो सकते हैं, तो एक बिजनेसमैन 45 देशों में उनकी कंपनी चलाते हैं। देखो तो करें, रहता है अमेरिका, कनाडा रहता है, यूरोप रहता है, बहुत सारे देश में उनकी बड़ी बड़ी कंपनी रहती है और हजारों लोगों को रोजी रोटी देते हैं। एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? लेकिन आप हाथ धोकर बैठे हैं, हमारे से कुछ नहीं होगा। अरे, इनके लिए जीवन को समर्पित करना पड़ता है।